हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हियर अबाउट द कंप्यूटर्स, मीन्स लेसन नंबर 3 वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर। सो बिफोर स्टार्ट दिस लेसन, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द पोर्शन विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। ठीक है ना। सबसे पहले बेटा आपको अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करना है, क्योंकि जो हम लेसन नंबर 3 अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आप टेक्स्ट बुक के मदद से, उसके हेल्प से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो हम कंप्यूटर पढ़े बेटा, एक्चुअली कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, ठीक है ना, या फिर हम उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कह सकते हैं। तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे कि जो ऑफिशियल वर्क है या फिर कुछ न्यूमेरिकल वर्क, न्यूमेरिकल मीन्स और जहाँ पर डेटा, न्यूमेरिकल डेटा जैसे मैथमेटिकल्स मीन्स रिलेटेड टू द मैथ, रिलेटेड टू द ग्राफ्स, ओके, रिलेटेड टू पेन, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स बनते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कंप्यूटर इन ईच एंड एवरी सेक्टर, ठीक है, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज होता है। आप बैंक में जाओगे, रेलवे स्टेशन में जाओगे, सिनेमा हॉल में जाओगे, किसी ऑफिस में जाओगे, स्कूल कॉलेज जाओगे, ठीक है ना। तो हर क्षेत्र में आपको, हर प्लेस पे कंप्यूटर का उपयोग होते हुए आपको दिखेगा। ठीक है। तो कंप्यूटर नाउ बिकम वेरी इसेंशियल और रिक्वायरमेंट डिवाइस, रिक्वायरफुल डिवाइस, ठीक है ना, जिसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है। स्कूल्स में देखिए, हमने स्कूल्स में बच्चों को कंप्यूटर नॉलेज देना आज की क्या है, आवश्यकता है, मीन्स इट्स अ नीड ऑफ टुडे, आज की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है बेटा, अगर आपके पास बहुत सारा एजुकेशन है, डिग्री है, डिप्लोमा है, बहुत सारा एजुकेशन ले लिया आपने, लेकिन आपके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, तो आप इलिटरेट कहोगे। इलिटरेट मीन्स जिसको पढ़ते लिखते नहीं आता, ठीक है ना। और इसीलिए कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, कंप्यूटर एजुकेशन के ऊपर बहुत ही फोकस किया गया है, बहुत उसको इम्पोर्टेंस या फिर महत्व हमारे लाइफ में दिया गया है। ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम टास्क, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्य है कंप्यूटर के द्वारा होते हैं, ठीक है ना। हम और इसीलिए बच्चों को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्लास स्टैंडर्ड फर्स्ट, ठीक है ना, क्लास 1 से कंप्यूटर एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों को टेक्निकल जो एजुकेशन है उससे वो फैमिलियर हो सके, कंप्यूटर को हैंडल करके उनको आना चाहिए। और ऑब्वियसली जैसे आपके घर में स्मार्टफोन है, इट इज़ द मिनी कंप्यूटर, ठीक है ना, एक छोटा कंप्यूटर है आपके घर में, मम्मी पापा या फिर आपके जो एल्डर ब्रदर सिस्टर है उनके पास स्मार्टफोन है, डेफिनेटली आप मैसेजिंग करते हो, सेटिंग करते हो, गेम्स खेलोगे, मीन्स यू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द चिल्ड्रन आर फैमिलियर, ओके। क्योंकि आप स्मार्टफोन यूज करते हो तो आप कंप्यूटर भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो आज हम बेटा इस लेसन में देखते हैं, मीन्स द टाइटल ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का जो टाइटल है वो है स्टार्टिंग एंड सेटिंग डाउन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, जो संगणक बोलते हैं जिसको हम, ठीक है ना। कंप्यूटर इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और उसके यूजेस भी हमने बहुत लेसन नंबर 1 और 2 में देखे हैं। तो आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना, शुरू कैसे किया जाता है, और सेटिंग डाउन मीन्स उसको ऑफ कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो उसकी एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, हम डायरेक्टली स्विच ऑन या फिर ऑफ करके कंप्यूटर को शुरू या फिर बंद नहीं कर सकते। उससे क्या है कि कंप्यूटर एक मशीन है, उससे एकदम सडनली हमने स्विच ऑन ऑफ कर दिए तो हमारा सिस्टम डैमेज होने की या फिर बिगड़ने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो हर कार्य की एक विधि होती है, एक प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस के बारे में इस पीरियड में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे आप जब भी लंच करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, डिनर करते हो, मिस खाना खाते हो, ठीक है ना, तो उस समय हम एकदम से फास्ट खाते हैं क्या, या फिर सारा खाना एकदम निगल लेते हैं क्या, मुंह में डाल लेते हैं क्या, नहीं।
सो इट इज नॉट अ प्रॉपर वे, वो प्रॉपर वे नहीं, हम स्पून से लेते हैं स्टेप टू स्टेप वन बाय वन, ठीक है ना, अगर प्यास लगी तो पानी पीते हैं बीच में ही। सेम उसी प्रकार से हमें कंप्यूटर का यूज केयरफुली करना है, उसको ऑन ऑफ केयरफुली करना है, ठीक है, डायरेक्टली स्विच ऑन या फिर ऑफ करने से नहीं होता, मीन्स विद द प्रोसेस। इट मीन्स एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि हमें सारे कार्य जो है वो एक नियम के साथ, एक प्रोसेस के साथ, उसकी एक मेथड होती है, उसके साथ करने होते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आज हम देखेंगे स्टार्टिंग एंड सेटिंग डाउन अ कंप्यूटर। सो जस्ट अ कॉन्सेप्टेड हियर इन योर टेक्स्ट बुक, एक्चुअली व्हाट इज देयर द समयरा, मीन्स आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, ठीक है ना, आप ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद आप क्या समझोगे, डिस्क्राइब द पार्ट्स दैट आर यूज टू स्टार्ट एंड सेट डाउन द कंप्यूटर। ओके, आपको ये जो लेसन हम पढ़ाने जा रहे हैं इसको सीरियसली कॉन्सेंट्रेट करना है, सुनना है और समझना है, ठीक है, क्योंकि इससे आप क्या समझोगे हाउ टू ऑन द कंप्यूटर एंड हाउ टू ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने में कौन कौन से पार्ट्स की, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं ना, जैसे हमने देखे कि सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, ओके, यूएसबी, ये जो कंप्यूटर के पार्ट्स है उनका यूज कंप्यूटर को ऑन करने में या फिर शट डाउन करने में, मीन्स ऑन ऑफ करने में किस प्रकार होता है, ये हम इस लेसन के माध्यम से सीखेंगे। सेकेंड दिया है इसमें स्टार्ट एंड सेट डाउन कंप्यूटर प्रॉपरली, प्रॉपर वे से हम किस प्रकार कंप्यूटर को स्टार्ट या फिर सेट डाउन करते हैं। इसमें देखो देखो बेटा, जैसे समायरा कम्स होम फ्रॉम हर स्कूल, देखो समायरा एक बच्ची का नाम है, गर्ल्स, इट इज द नेम ऑफ गर्ल्स, सी कम्स फ्रॉम हर स्कूल, वो अपने स्कूल से घर आती है, सी इज वेरी हैप्पी टुडे, आज बहुत खुश है, ठीक है ना, हर टीचर टॉट द क्लास टूडे, क्लास टूडे अबाउट द सन मून एंड स्टार्स, देखो उनके टीचर ने, मैं समायरा की यहाँ बात हो रही है, समायरा के टीचर ने क्या किए कि उनको सन मून और स्टार्स के बारे में आज उनको क्लास में पढ़ाया, ठीक है, तो सन क्या होता है, मून क्या होता है और स्टार क्या होती है, इसके बारे में बखूबी वो जान चुकी थी, पूरा जो उनके टीचर ने उन्हें पढ़ाए वो बहुत बखूबी से समझ चुकी थी, ठीक है ना, और वही और इसीलिए सी इज वेरी हैप्पी टू डे, बहुत खुश है। समायरा रिकॉल्स व्हाट हर टीचर्स टोल्ड द क्लास, अभी समायरा घर में आई और रिकॉल कर रही है, मीन्स मन ही मन में उसको याद कर रही है, ठीक है, कि आज हमारे टीचर ने हमें क्लास में क्या पढ़ाया, ठीक है ना, वो चीज़ों क्या कर रही है, रिकॉल कर रही है। अभी देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स के द्वारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, द सन राइजेस इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग, देखो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समायरा अपने स्कूल से आज सीख के आई है, ठीक है, पहला जैसे सन, सन मीन्स सूरज, ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, मॉर्निंग में सुबह सुबह सन कौन से डायरेक्शन से राइज होता है, ईस्ट से, ठीक है ना, ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है। सो दैट थिंग सी लर्न फ्रॉम द स्कूल टुडे, ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट गिवन हियर, व्हेन द सन राइजेस हाई इन द स्काई इट इज अ मिड डे और नून, ठीक है ना, अभी जैसे नून, आफ्टर नून कहते हैं, मीन्स 12 o'clock, जब मिड डे यानी आधे दिन में जो सन है वो कहाँ रहता है, इन द हाई मीन्स स्काई, ऊपर रहता है, ठीक है ना, हमारे ऑन द हेड यानी सर के ऊपर में, ठीक है, 12 बजे यानी कि सूरज हमारे सर के ऊपर आ जाता है, सर के ऊपर मीन्स एट द टॉप ऑफ द हेड, ओके, नाउ देन नंबर 3, व्हेन द सन मूव्स टुवर्ड द वेस्ट, जैसे सूरज वेस्ट की तरफ मूव होता है, ठीक है ना, मीन्स वेस्ट की तरफ धीरे 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 सन क्या होता है, उसके डायरेक्शन चेंज होती है, जैसे जैसे दिन ढलते जाता है वैसे वैसे जो सन है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, मीन्स सनराइज एंड सनसेट, सनराइज एंड सनसेट हियर, ओके, ईस्ट टू वेस्ट, सो व्हेन द सन मूव्स टुवर्ड द वेस्ट इट इज आफ्टरनून, ठीक है ना, इट इज आफ्टरनून मीन्स एट द
12 o'clock and after 12 o'clock it is the period of afternoon. Then the sunset in the west in the evening. ठीक है ना, मॉर्निंग में सनराइज होता है जिससे और सनसेट इवनिंग में होता है वेस्ट से. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं समायरा आज स्कूल से सीख के आई है और रिकॉल कर रही है. ठीक है, अपने मन ही मन में उसे याद कर रही है. आगे देखते हैं बेटा, एक हाईलाइटेड पोर्शन दिया है आपको बुक में. व्हेन दे स्टैंड इन द सन और शैडो इन अ लॉन्ग सॉरी इज लॉन्ग इन द मॉर्निंग and evening, but it is the shortest at noon when the sun is above us. ठीक है ना, अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि when we stand, जब हम खड़े रहते हैं, sun or sun shadows is long in the morning. ठीक है, means morning में जैसे हम सूरज के आगे खड़े हो गए, सूरज means sun के आगे, तो हमारी जो shadow है, shadow means परछाई, वो कैसी दिखती है? बहुत लंबी दिखती है. ठीक है, क्यों? Because of the sun is in a one direction, means the east direction. और हम उसके तरफ जैसे खड़े होंगे तो हमारे shadow obviously वो कैसे दिखेंगे? उसके direction जो है लंबी रहेगी, long रहेगी. ठीक है ना? Then at morning, okay? At evening, shadow is long in the morning and evening, but it is in the shortest in noon. ठीक है? Morning evening में long रहती है और जो नून टाइम है मीन्स दोपहर में, ठीक है ना, वो कैसी रहती है? शॉर्टेस्ट. व्हाई? बिकॉज ऑफ द सन, मीन्स सन कम ऑन द टॉप ऑफ द हेड, हेड के ऊपर में आता है नून टाइम में, और इसीलिए हमारे शैडो की डायरेक्शन है मीन्स इट इज शॉर्टेस्ट, यानी बहुत कम रहती है. बट इन द इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग, ओके, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग इज बिकम लॉन्ग, ओके, वो कैसी होती है? लंबी होती है. So that thing she learned from the school today and that's why she is very happy. ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उनके टीचर्स ने बताए, जैसे कि हम आपको भी बता रहे हैं, और ये वो रिकॉल कर रही है. ठीक है, मन ही मन में उसे याद कर रही है. क्लियर? तो बेटा ये चीज़ आपको भी ध्यान में रखना है, दैट इज द मैटर, दैट इज द थिंग्स फॉर जीके, योर जनरल नॉलेज के लिए और आपके नॉलेज इनहेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. अभी इसमें एक हाईलाइटेड टू लाइन्स में, जैसे ब्लू कलर में हाईलाइटेड टू लाइन्स दिए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं जिसे आपको समझना है. जस्ट कॉन्सनट्रेट ऑन योर टेक्स्ट बुक पोर्शन, ओके. नाउ व्हेन वी स्टैंड इन द सन आर shadow is long in the morning and evening, but it is the shortest in the noon when the sun is above us. ठीक है, जब sun हमारे ऊपर होता है तो वो shortest हो जाती है. अभी next देखते हैं बेटा, Samaira decided to create a drawing in MS Paint. ठीक है, अभी MS Paint क्या होता है? MS Paint it is the program of computer. computer का एक program है. ठीक है, Microsoft Paint. तो जनरली इस प्रोग्राम के तहत, इस प्रोग्राम में क्या होता है कि पेंट या फिर ड्राइंग जनरली निकाली जाती है. ठीक है ना, एक आधा ड्राइंग निकालते हैं हम, उसको अपने इच्छा अनुरूप, ठीक है ना, मीन्स अपने विश के हिसाब से उसको पेंट फिल कर सकते हैं. तो समायरा क्या कर रही है? शी इज ऑल्सो डूइंग दैट वर्क विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम, मीन्स पेंट प्रोग्राम. सो शी क्रिएट ड्राइंग इन द एमएस पेंट टू शो डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सन ड्यूरिंग द डेज. ठीक है, मीन्स वो क्या कर रही है, दैट टास्क यू कैन ऑल्सो डू एट योर होम इफ यू हैव कंप्यूटर, कि जो सन है बेटा, सन जो है इसकी डिफरेंट पोजिशन. ठीक है, वॉट इज द पोजिशन, मीन्स पोजिशन एंड अवस्था. ठीक है, जैसे नून मॉर्निंग और इवनिंग में हमने देखे, तो डिफरेंट पोजीशन की जो फ्रेंड ड्रॉ कर रही है समायरा. देन सी गोज टू द स्टडी एंड वॉन्ट टू स्विच ऑन द कंप्यूटर. उसके बाद वो क्या गई कि वो स्टडी के लिए गई, मीन्स पढ़ने के लिए गई, एंड सी वॉन्ट टू स्विच ऑन द कंप्यूटर. ओके, सी वॉन्ट टू स्विच ऑन द कंप्यूटर, मीन्स स्विच शुरू करना चाहती थी. ठीक है, और यूजली हर मदर हेल्प हर टू स्विच ऑन द ऑन एंड स्टार्ट द कंप्यूटर. पहले क्या हुआ कि उसको स्विच कैसे ऑन किया जाता है कंप्यूटर का उसे पता नहीं था, तो
तो समायरा की मदर ने उसकी हेल्प की, क्या की, मदद की, ठीक है ना। आगे देखते, जस्ट देन हर मदर कम इन, जैसे उसकी मदर अंदर आई, सी टीचेस हर हाउ टू स्टार्ट एंड शट डाउन अ कंप्यूटर। उन्होंने क्या किए कि समायरा को कैसे कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है और कैसे ऑफ किया जाता है उन्होंने उनको सिखाया, ठीक है ना। अभी कैसे किया जाता है इसकी जो प्रोसेस है इसमें दी हुई है, स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इन द नेक्स्ट पेज, जस्ट टर्न योर पेज नाउ हियर इज द एक्टिविटी। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है आपको जो आपको करना है, ठीक है ना। एक्टिविटी इसमें जैसे राइट द नेम्स ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक मशीनेस दैट आर एट योर होम, ओके। सो दैट इज द टास्क फॉर यू, मीन्स आस्किंग फॉर यू, आपको एक कार्य दिया हुआ है इसमें कि आपके घर में कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है उसके नेम आपको लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज, ठीक है, जिसका फ्रिज मीन्स जो हमारा खाना है या फिर जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल है, हम फ्रिज रहने के लिए, एकदम ताज़ा रहने के लिए हम फ्रिज का यूज़ रखने के लिए फ्रिज का यूज़ करते हैं। सो दैट इज द वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन। नाउ जस्ट यू हैव टू गैदर, आपको गैदर करना है, यू हैव टू रिमेंबर एंड जस्ट राइट द आंसर हियर। सो दैट इज द एक्टिविटी यू हैव टू डू एट योर होम, ये एक्टिविटी है जो आपको करनी है घर में। देन द स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, नाउ हियर स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर, ओके। कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, इसके स्टेप्स क्या है, इसके प्रोसीजर क्या है, इसके मेथड क्या है, इस पोर्शन में दिया है, आपको जस्ट कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक में, और यहाँ ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स द प्रोसेस स्टेप्स आर गिवन हियर, हाउ टू स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है। सो फर्स्ट स्टेप इज गिवन हियर इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, इट इज गिवन, जस्ट कॉन्सेंट्रेट देयर। सो फर्स्ट switches on the power button which the computer is plugged in, ठीक है ना। जहाँ कंप्यूटर का प्लग लगा हुआ है बोर्ड पे, वहाँ से आपको पावर बटन को क्या करना है, स्विच ऑन करना है, ठीक है। मीन्स सबसे पहले तो आपको जो मेन पावर बटन है जो बोर्ड के ऊपर रहती है, ठीक है ना, उसे जहाँ कंप्यूटर प्लग इन किया हुआ है तो उस स्विच को आपको ऑन करना है, मीन्स मेन पावर बटन फ्रॉम द बोर्ड, ओके, इलेक्ट्रिक बोर्ड। नाउ द सेकेंड स्टेप इज हियर, स्विचेस ऑन द यूपीएस एज इट वॉज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, ओके। उसके बाद जैसे ही आप मेन स्विच ऑन करते हो, उसके बाद आपको यूपीएस, ठीक है ना, जो यूपीएस हमने जिस जो पार्ट है कंप्यूटर का, ठीक है, विच होल्ड द इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ वाइल, जो देख ली इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ के रखता है, उस यूपीएस की जो प्रेस मिस बटन आपको क्या करना है, प्रेस करना है, ठीक है ना। तो पहले मेन स्विच ऑन करना है, देन स्टार्ट द यूपीएस बटन। सो दीज आर द टू स्टेप्स टुडे वी हैव सीन इन दिस पीरियड, द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर हाउ टू स्टार्टिंग द कंप्यूटर वी विल सी इन द नेक्स्ट पीरियड, ओके। सो स्टूडेंट आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल द पोर्शन विच आई एक्सप्लेन रिसेंटली, ओके। द अनदर पोर्शन आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट पीरियड, ओके। जस्ट कनेक्टेड विद मी, इफ देर विल बी एनी क्वेश्चन और डाउट देन यू मे कॉन्टेक्ट मी। सो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली, we will meet in the next period, okay, thank you and have a nice day to you।